छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज नान घोटाले का मामला गूंजा है और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच तीखे सवाल जवाब हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने शासन द्वारा वकीलों की नियुक्ति को लेकर सवाल किए हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जिन्होंने खुद बाहर से वकील लगाए थे वो आज पूछ रहे हैं कि बाहर से वकील क्यों नहीं मंगाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि रमन सिंह के कार्यकाल में कितने वकील बाहर से आए हैं और किस काम के लिए आए, उनको कितना भुगतान किया गया है, इसकी पूरी सूची मेरे पास है, जिसके बाद सदन में जमकर बवाल कटा। वकील वरिष्ठ वकील दयन कृष्णन को पीआईएल में उपस्थित हुए तो दूसरे मामले में उनको कितना फीस दिया गया, बड़ा स्पेसिफिक प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, इनके जवाब से ही उद्भूत हो रहा है। कृष्ण आया था दूसरे मामले में खड़ा हुआ, तो इस मामले के अतिरिक्त और कितना फीस दिया गया, तो छोटे छोटे प्रश्न है, कोई ज्यादा प्रश्न मैं नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं सदन को बताना चाहूंगा, संशोधित उत्तर आ चुका, मेरी जानकारी के बाद भी बार बार माननीय सदस्य उसको रिपीट कर रहे थे। दूसरी बात यह है, दयन कृष्णन जी द्वारा दिनांक 26/2/2019, 10/3/2019, 14/3/2019, 18/7/2019 को आए थे अध्यक्ष महोदय, और उन्हें जो भुगतान किया गया अध्यक्ष महोदय, वो दयन कृष्णन को अपीयरेंस सेटलिंग स्टेटस रिपोर्ट रिप्लाई कॉन्फ्रेंस हेतु कुल मिला के 81 लाख रुपया दिया गया अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत पिन पॉइंट बिल्कुल छोटा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, उस दिन दूसरे मामले में भी खड़े हुए, उसका पेमेंट भी शासन ने किया तो कितना किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, तो 10 लाख मामले 4 करोड़ में तो 4 बार खड़े हो गए अध्यक्ष महोदय, अलग अलग जगह 80 लाख रुपया तो ये रिकॉर्ड में है, 80 लाख रुपया दिया गया, 60 लाख दिया गया, 1 करोड़, हम ये आपत्ति नहीं करते कि करोड़ रुपया आप लुटा रहे हो, सवाल ये है, यह आपत्ति जनक है अध्यक्ष महोदय, लुटा रहे इसके पहले कितना होता है वो भी तो मामले आप लुटाने की बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, कैसे लुटाने की बात हो रही है? अरे थोड़ा शांति से जवाब दीजिए, अरे शांति से लुटाने के शब्द से आपत्ति अध्यक्ष महोदय, लुटे तो 36,000 करोड़ रुपए नाथ घोटाले में 36,000 करोड़